आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। स्कूल शिक्षा को लेकर शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी कड़ी में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव ने सतना में तो वहीं कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने रीवा की स्कूलों का निरीक्षण किया है। बुधवार को कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव ने सतना जिले के विभिन्न विद्यालयों के औचक निरीक्षण किया। विद्यालयों में साफ सफाई का अभाव मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागौद में एक शिक्षक बिना सूचना के दो दिन से अनुपस्थित पाया गया। इस पर संबंधित को दो दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बच्चों के बस्ते का वजन कम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षक के अध्यापन कार्य का निरीक्षण स्वयं संभागायुक्त ने किया। अपने नागौद दौरे में संभागायुक्त डॉक्टर भार्गव ने उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागौद का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्राचार्य से कहा कि आप लोग घर में भी ऐसे ही रहते हैं, साथ ही यहां साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। विद्यालय की उपस्थित पंजी मांगा और चेक करके पाया गया कि सहायक ग्रेड 2 सुदीप सिंह के दो दिन से हस्ताक्षर नहीं है और ना ही इस संबंध में कोई आवेदन है। इस पर कमिश्नर ने उनको दो दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। विद्यालय में कुछ छात्र गणवेश में नहीं आए थे, इस पर उन्हें समझाइश देते हुए गणवेश में विद्यालय आने के लिए कहा गया। इधर गुरुवार को रीवा कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव शासकीय हाई स्कूल माड़ा पहुंचे, जहां शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोजित पालक शिक्षक संघ की बैठक में पालकों तथा शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता की शपथ दिलाई तथा अभिभावकों को इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है। सजग रहूंगा मैं विद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यास कार्य को करने हेतु अपने पाल्य को प्रेरित करूंगा तथा शिक्षकों द्वारा कार्य का अवलोकन करने के बाद बताई गई त्रुटियों को ठीक करूंगा।